दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या दिन आ गए नहीं, गोदीगिरी करते करते उन्हीं के मुंह की खानी पड़ रही है जिनके लिए चैनल वालों ने शर्म लाज सब त्याग दी। दोस्तों पिछले 9 सालों में पत्रकारिता को चूल्हे पर चढ़ाकर चैनल के संपादक अपनी मर्जी से खुशी खुशी संपादक बन गए। जितनी जोर से बीजेपी ने खुद अपना एजेंडा नहीं चलाया, उससे भी ज्यादा जोर शोर से चैनलों ने इनका एजेंडा चलाया, दिन रात हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। लेकिन देखिए बेचारों के क्या दिन आ गए कि खुद बीजेपी के नेता ही चैनलों के संपादकों से भरे मंच में कह रहे हैं कि हिजाब विजाब टाइप जो मुद्दे हैं ना, ये आपके फेवरेट टॉपिक हैं। दोस्तों आज तक के कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रोग्राम में इंडिया टुडे के संपादक राहुल कंवल ने कर्नाटक की डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री बोम्मई का इंटरव्यू लिया। तभी राहुल कंवल ने अपना सवाल शुरू किया इन 3 शब्दों के साथ, टीपू सुल्तान हिजाब हलाल। राहुल कंवल आगे कुछ बोलते, अपना सवाल पूरा करते तो कर्नाटक के सीएम ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कह दिया, आपके फेवरेट सब्जेक्ट पर आ गए आप। ये सुनकर राहुल कंवल बड़े अनकंफर्टेबल हो गए और तुरंत उन्होंने सीएम से कहा, ना ना ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। जवाब में फिर कर्नाटक के सीएम ने राहुल कंवल को टोका और कहा, ना आपके और राजदीप के ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था बिना हिजाब और हलाल के ये इंटरव्यू पूरा ही नहीं होगा। कर्नाटक के सीएम ने राहुल कंवल को फिर टोकते हुए कहा, क्या बात करते हैं सर, ये इंडिया टुडे है, आज की बात करो ना। तो तुरंत राहुल कंवल ने सीएम से फिर पूछा, क्या ये कर्नाटक में चुनावी मुद्दे नहीं है? तो सीएम ने तुरंत जवाब दिया, ये चुनावी मुद्दे कैसे हो सकते हैं, मेरी छोड़िए लोग तक इन्हें भूल चुके हैं, आप बताइए आज कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा कहाँ है। तो कुछ इस तरह से खुले मंच से देश के सबसे बड़े चैनल के संपादक को डबल इंजन के मुख्यमंत्री ने मुंह पर सुना दिया। होता ये है ना दोस्तों कि आजकल एंकरों के बीच में ना कंपटीशन होता है, क्या बोल दिया जाए कि बिग बॉस को पसंद आ जाए, हेडलाइन बन जाए, हमको कोई खबर मिल जाए। लेकिन यह खेल उल्टा पड़ गया, क्योंकि एक्चुअली में वाकई में कर्नाटक में टीपू सुल्तान या हिजाब या हलाल ये वाकई में मुद्दा नहीं है। खुद बीजेपी कैंपेन कमेटी के चीफ येदियुरप्पा ने भी कुछ दिन पहले साफ तौर पर बयान देकर स्थिति साफ कर दी थी कि ये सब कुछ जो मुद्दे हैं ये बीजेपी के लिए किसी भी हाल में चुनावी मुद्दे नहीं है, क्योंकि बीजेपी ये सब कुछ करके हाथ अपने कर्नाटक पे पहले ही जला चुकी है। इस तरह के मुद्दे फायदा तो बीजेपी को पता नहीं कर्नाटक में देंगे नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी को बैकफायर जरूर कर देंगे। इसलिए कर्नाटक के सीएम ने भी राहुल कंवल को साफ शब्दों में कह दिया कि हिजाब हलाल टीपू सुल्तान ये आपके फेवरेट टॉपिक होंगे, मेरे नहीं है, मेरे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। वैसे पॉलिटिक्स भी गजब की चीज है, नहीं जो मुद्दे दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए माहौल बनाते हैं उन मुद्दों से उस राज्य के सीएम खुद को दूर पाते हैं। आप भरे मंच पर राहुल कंवल की हुई ऐसी छीछा लेदर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें दोस्तों और सब्सक्राइब भी।